दोस्तों, अगर आप एक नौकरी कर रहे हैं या उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो दोनों ही जगह पर आपको ऑफिस का काम आना चाहिए। और आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं कि ऑफिस में मुझे क्या काम करने को मिलेगा, टाइपिंग करने को मिलेगी, एमएस वर्ड में काम करना होगा, एक्सेल में काम करना होगा, ढेर सारी चीज़ें होती हैं। और रोज़ कुछ ना कुछ नया काम आपको ऐसा मिल जाता है जिसमें आपको ढेर सारी परेशानियाँ मिलती हैं। तो ये वीडियो मैंने खास तौर पर ऑफिस में काम करने वाले लोगों के लिए डिज़ाइन किया है, और यहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं जो आपके ऑफिस में डेली आपके काम आएंगी। आपकी ढेर सारी परेशानियों का समाधान आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आप शुरू से लेके आखिर तक पूरा देख लेते हैं तो आपकी जो ढेर सारी ऑफिस में आने वाली परेशानियाँ हैं वो तो दूर होंगी ही, साथ में कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स आपको मिलेंगे जिससे आपका जो डेली का काम है वो और बहुत जल्दी से और बहुत तेज़ी से आप कर पाएंगे एक एक्सपर्ट तरीके से। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु भरद्वाज आपका स्वागत करता हूँ माय बिग गैजेट स्मार्ट क्लास में। और इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे टिप्स और ट्रिक्स। तो अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, उसी से आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। और अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक दिए गए हैं, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो बात करते हैं इस वीडियो की। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैंने कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम सीखेंगे एमएस ऑफिस में लेटर कैसे बनाते हैं, और ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। जब आप किसी ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहला आपके पास काम होता है एमएस वर्ड में लेटर बनाने का। धीरे धीरे हम इसमें और भी सारी चीज़ें जानेंगे जो कि बेसिक से लेकर एडवांस तक की होंगी। तो ये जो पूरा वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पैक्टफुल है, आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लेटर बनाने से पहले आपको क्या क्या तैयारियाँ करनी है, क्या चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए एक लेटर को बनाने से पहले, ताकि आपको बार बार वो सारी सेटिंग्स ना करनी पड़े, आपको परेशानी ना हो। तो सबसे पहले आपको अगर कोई भी लेटर एमएस वर्ड में बनाना है तो आप पेज सेटअप पर जाइए और यहाँ पर सबसे पहले चेक कीजिए कि आपके प्रिंटर में पेपर आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है एमएस वर्ड में कोई भी काम करने से पहले। तो यहाँ पर हम ज़्यादातर जो ऑफिस में पेज यूज़ करते हैं वो होता है A4 साइज़ का या फिर लीगल का। लेटर साइज़ हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, यह ज़्यादातर मार्केट में मिलता ही नहीं है। यहाँ पर A4 या लीगल साइज़ के जो पेपर हैं वो ऑफिस में मिलते हैं। तो लीगल और A4 में अंतर यह है, जो A4 साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा होता है लीगल से, और लीगल थोड़ा सा लंबा होता है। तो कुछ हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जो ज़्यादा बड़े तैयार होते हैं, उनके लिए हम लीगल को यूज़ करते हैं, और जो छोटे लेटर्स होते हैं उनके लिए हम A4 को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप A4 को सेलेक्ट कर लेंगे, तो पहला काम तो ये हो गया। उसके बाद जो दूसरा काम आता है वो आता है मार्जिन का। तो यहाँ पर आप जब कोई भी लेटर बनाते हैं ऑफिस में तो उसके लिए सबसे पहले हम पेज पर कुछ मार्जिन छोड़ते हैं। जो लोग पुराने हैं जिन्होंने टाइपराइटर पर काम किया है उनको पता होगा कि मार्जिन की इंपॉर्टेंस क्या होती है। यहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मार्जिन सेट करते हैं। यहाँ पर जब आप मार्जिन को ओपन करेंगे पेज लेआउट में जाके, तो यहाँ पर आपको कई तरीके के मार्जिन मिलेंगे, लेकिन आपको ये नहीं लेने हैं, आपको जाना है कस्टम मार्जिन पर। तो आपके सामने कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको दो मार्जिन के बारे में बताऊँगा। यहाँ पर आपको पहला मार्जिन चेंज करना है लेफ्ट वाला और दूसरा करना है राइट वाला। पहले मार्जिन में आपको लेफ्ट में भरना है 1.5 और राइट वाले में सिर्फ आपको 0.5 कर देना है। इसके बाद इसे यहाँ से ओके करना है, तो आप देखेंगे जो आपका लेफ्ट मार्जिन है वहाँ पर 1.5 मार्जिन छूट गया है, और यहाँ पर जो राइट वाला एरिया है वहाँ पर 0.5 आ गया है। इसकी वजह क्या है कि हम ऑफिस में करते क्या हैं, जब भी हम कोई लेटर बनाते हैं या कोई फाइल बनाते हैं तो उसमें ढेर सारे हम लेटर एक साथ में लगाते चलते हैं, और उसके लिए यहाँ पर हमें होल करना होता है, या फाइल में लगाने के लिए भी होल करना होता है। तो साइड से हमें या तो सिलना पड़ता है या फिर हम इसे पिन करते हैं। तो इस वजह से जो भी हमने लेटर टाइप किया है या प्रिंट किया है उसके अक्षर दब ना जाएं, तो इस वजह से हम लेफ्ट मार्जिन को छोड़ते हैं। तो अब इसके बाद नंबर आता है टाइपिंग का, कि टाइपिंग शुरू कैसे करें। तो यहाँ पर उसके लिए हम सेलेक्ट करते हैं फॉन्ट को। अगर आप हिंदी में टाइप करते हैं तो ऑफिस में ज़्यादातर आपको कृतिदेव या देवलेस के फॉन्ट मिलेंगे, और पुराने लोगों ने भी इन्हीं फॉन्ट्स में टाइपिंग सीखी होगी। वैसे जो अब टाइपिंग होती है वो यूनिकोड में होती है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश के लिए कोई भी फॉन्ट आपको सेलेक्ट नहीं करना है, नीचे से बस आपको यूनिकोड सेलेक्ट करना है, उसमें आप टाइप कर सकते हैं। लेकिन मैं इसका उदाहरण दे रहा हूँ, यूनिकोड में भी आपका जो टाइपराइटर है उसी तरीके से आप हिंदी टाइप कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको जो फॉन्ट साइज सेलेक्ट करना है वो 16 करना है। तो ये जो 16 साइज़ है ना ज़्यादा बड़ा होता है ना ज़्यादा छोटा होता है, टाइपिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, चाहे आप इंग्लिश में करें या हिंदी में करें। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको डालना होता है कार्यालय का नाम,
आपका जो भी कार्यालय हो उसकी हेडिंग आप सबसे ऊपर डालिए। इसके बाद इसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप पैराग्राफ में जाइए। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिखाई देंगी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा ये लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन, और इसके बाद आपको दो ऑप्शन और मिलेंगे, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, और इसके बाद मिलेगा रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। यहाँ से इसको रिमूव कर दीजिए और यहाँ से ये जो स्पेस है इसको 1.0 को सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जो आपकी लाइनों के बीच का जो स्पेस है वो ज़्यादा ना हो। इसके बाद आपको इसको सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल ए प्रेस करना है कीबोर्ड से, और कंट्रोल के साथ में जो आपको ब्रैकेट का बटन है उसको प्रेस करना है, ताकि जो कार्यालय का नाम है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए। इसके बाद कंट्रोल ई को प्रेस करके इसको सेंटर में ले लेना है। तो जब हम कार्यालय का नाम लिखते हैं तो कुछ इसी तरह से हम अपने ऑफिस में भी इसको सेंटर में करते हैं। इसके बाद आपको एंटर करना है, और यहाँ से आपको दोबारा से जो दूसरा ब्रैकेट है उसको दबा के जो फॉन्ट साइज़ है वो दोबारा से 16 कर लेना है। इसको आप बाद में भी 16 या 17 कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा आपको कंट्रोल ई को प्रेस करना है, जिससे जो आपका कर्सर है वो लेफ्ट में आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको लिखना है पत्र संख्या, उसके बाद डैश लगाना है, और यहाँ पर आपको कोई भी एक नंबर, जो भी आपके कार्यालय में पत्र संख्या का नंबर चलता हो उसको लगा लेना है। अब आपको टैब प्रेस कर, देखिए टैब की इंपॉर्टेंस एमएस वर्ड में बहुत है। बहुत सारे लोग स्पेस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टैब बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ कितना महत्वपूर्ण है टैब अगर आप एमएस ऑफिस में काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको दोबारा से एक ऑब्लिक लगाना है, और उसके बाद में जो भी आपका कार्यालय का जो पटल है वो लिख देना है। यहाँ पर आपको लिखना है पटल का नाम, इसे हम डेजिग्नेशन भी बोलते हैं, तो वो आपको यहाँ पर लिख देनी है, किस सीट से जो आपकी फाइल है वो चली है। और उसके बाद एक टैब आपको फिर से प्रेस करना है, उसके बाद आपको डाल देनी है डेट, और मैं यहाँ पर आज की जो डेट है वो डाल देता हूँ। यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक बार और टैब दबाना है, ताकि जो आपकी डेट है वो बिल्कुल साइड में चली जाए। तो देखिए कुछ इस तरह से जो लेटर का फॉर्मेट है वो बन गया है। अब आपको एंटर करना है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए हैं। इसके बाद अगर हम किसी को ये लेटर भेज रहे हैं तो उसका नाम हम यहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ पर हम नाम डाल देते हैं उप जिलाधिकारी आगरा, और इसके बाद यहाँ पर हम दो बार एंटर को प्रेस करेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे विषय, जो सब्जेक्ट होता है वो हम यहाँ पर टाइप करेंगे। अब सब्जेक्ट हम कुछ भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट हम लिख देते हैं तो ये यहाँ पर हमने विषय टाइप कर लिया है। इसके बाद आपको एंटर करना है, और यहाँ पर आपको लिखना है महोदय, उसके बाद फिर आपको एंटर करना है और टैब प्रेस करना है। अब देखिए जो विषय हमने लिखा है उसको सेट करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको ये जो विषय है वो सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर आपको दो नॉब दिखाई देंगे आपके रूलर बार में। अगर रूलर बार आपको दिखाई नहीं देता है तो आप व्यू टैब पर जाइए, और यहाँ पर जो रूलर का टिक है उसको लगा लीजिए, तो जो रूलर बार है आपको दिखने लग जाएगा। तो यहाँ पर ये जो दो नॉब आपको दिख रहे हैं इन्हें हम इंडेंट कहते हैं। अब ये जो नीचे वाला इंडेंट है, हैंगिंग इंडेंट, इसको आपको पकड़ लेना है और उठा के इस तरह से आगे ड्रैग करना है, जिससे ये मुख्यमंत्री वाली लाइन में यानी ऊपर वाली लाइन में आके सेट हो जाएगा। देखिए ये दोनों जो लाइनें हैं वो बिल्कुल बराबर से आ गई हैं। अब हम यहाँ पर लेटर टाइप करना शुरू करते हैं। महोदय के नीचे जाते हैं, आपको अवगत कराना है कि मुख्यमंत्री महोदय का भ्रमण कार्यक्रम दिनांक को सुनिश्चित हुआ है, आप अपने कार्यालय से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। और यहाँ पर जब आपका लेटर पूरा हो जाए तो आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पर नीचे आपके अधिकारी की जो सील है वो आती है। अब उसको लिखने का भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको लिखना है अपने अधिकारी का नाम, इस तरह से, और इसको सेलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल ई से इसको सेंटर कर लेना है। तो ये जो दोनों लाइनें हैं इनको सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से ये जो इंडेंट अभी हमने खींचा था इधर, इसको ये नीचे वाला जो तीसरा हिस्सा है लेफ्ट इंडेंट, इसको पकड़िए
और यहाँ पे इसको खींच दीजिए, तो आप देखेंगे ये जो दोनों लाइनें हैं वो बिल्कुल बराबर में आ जाएंगी। इसके बाद हमें यहाँ पर प्रतिलिपि डालनी होती है, तो इसके लिए आपको ये दोबारा से यहीं पर खींच के ले जाना है, यहाँ से इसको लेफ्ट एल्गिन करना है और यहाँ पर आप प्रतिलिपि के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रेषित, इसके बाद आपको एंटर करना है और एंटर करने के बाद आप यहां से सीधे सीधे ये बुलेटिन नंबर वाला जो टूल है इसको सेलेक्ट कर लीजिए, क्लिक कीजिए। अब चूंकि आपने हिंदी ले रखी है तो जो आपके नंबर हैं हिंदी में आएंगे, तो इनको भी आप इंग्लिश में कर सकते हैं, नाम आप हिंदी में डाल सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं मंडलायक तू महोदय, इसको आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको इसे इंग्लिश में कर लेना है। इंग्लिश के फ़ॉन्ट को आप थोड़ा सा छोटा कर लेंगे तो आप देखेंगे जो आपका नाम है वो हिंदी में आएगा और जो नंबर है वो इंग्लिश में आएंगे। इसके बाद आप अगला नाम यहाँ से आप डाल सकते हैं। इसके बाद आप जो भी नाम आप यहाँ पर लिखना चाहें वो यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आपको दोबारा से उठा के नीचे रखना होगा, तो यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए, एंटर कीजिए और पेस्ट कर दीजिए। तो आप देखिए कुछ इस तरह से जो आपका लेटर है वो बहुत जल्दी ही बहुत अच्छे तरीके से बनके तैयार हो जाएगा। अब चलिए कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास एमएस वर्ड का एक ब्लैंक पेज है और अगर हमें यहाँ पर टेबल बनानी है तो हमें जाना होगा इंसर्ट पर। मैं इस वीडियो में आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक की काफ़ी सारी टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो यहां पर हम इंसर्ट पर जाएंगे और यहां पर आपको टेबल का ऑप्शन दिखाई देगा, ये आप माउस से टेबल बना सकते हैं बड़े आराम से। तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ब्रैकेट्स दिखाई देंगे, तो जितने बॉक्सेस आप ऊपर सेलेक्ट करेंगे वो आपके कॉलम बन जाएंगे और जितने बॉक्सेस आप नीचे की तरफ सेलेक्ट करते जाएंगे वो आपकी रॉज बन जाएंगी। तो एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ टेबल बनाने का, जिसमें आपको कहीं भी नहीं जाना है। तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड के न्यूमेरिकल कीपैड में जाइए, वहाँ आपको प्लस और माइनस के बटन दिखाई देंगे। प्लस बटन का मतलब है आपके बीच का ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्रेक है, यानी आपका एक कॉलम है, और माइनस का मतलब है आप कितना चौड़ा एक कॉलम बनाना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस बनाया, तो उसका मतलब यहाँ पर होगा एक ये जो बॉक्स है, एक ये जो कॉलम है वो बनके तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से हमें यहाँ पर जितने भी कॉलम बनाने हैं हम उतने माइनस के निशान और उतने प्लस के निशान यहाँ पर जोड़ लेंगे, कुछ इस तरीके से ये देखिए, और बस अपने कीबोर्ड से इसे एंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक टेबल बनके तैयार हो जाएगी। अब टेबल में हम और क्या क्या कर सकते हैं वो भी हम जान लेते हैं और कौन कौन सी यहाँ पर शॉर्टकट की होती हैं, तो आप जान लेते हैं कि टेबल में काम कैसे किया जाता है। काम करने का बहुत सिंपल है, आप यहाँ पर कुछ टाइप कीजिए, फिर टैब दबाइए, कुछ टाइप कीजिए, ऐसे आप टाइप भी कर पाएंगे और आगे भी बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप इस टेबल में पीछे जाना चाहते हैं, यानी कि जो दूसरा कॉलम है उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो आप शिफ्ट की को प्रेस कीजिए और टैब दबाइए, तो इससे क्या होगा आप टेबल में पीछे जा पाएंगे और काम कर पाएंगे। मानिए हमने यहाँ पर 25 की जगह 26 करना है, आप फिर टैब से आगे जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पीछे जाना होगा तो सिंपल आपको दबाना है शिफ्ट के साथ में टैब की को। तो ये तो हो गया एक फीचर। तो अब हम यहाँ पर कुछ नंबर डाल लेते हैं ताकि आपको पता चले कि हम क्या करने वाले हैं, और यहाँ पर कुछ डेटा फीड कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने कुछ डेटा फीड कर लिया, मान लीजिए आपको 2 और 3 के बीच में एक आपको रॉ और यहाँ पर एंटर करनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर एक बहुत सिंपल शॉर्टकट है, आप जाएंगे दूसरे सेल के सबसे लास्ट में यानी बाहर की तरफ और एंटर बटन को प्रेस करेंगे। तो इससे होगा क्या कि कॉलम 2 और 3 के बीच में एक रॉ एंटर हो जाएगी, यानी ये रॉ उस कॉलम के बाद में एंटर हुई है जिसके पीछे आप कर्सर लेकर गए थे और वहाँ पर आपने एंटर का बटन प्रेस किया था। अगर 3 के बाद एक आप रॉ एंटर करना चाहते हैं तो टेबल के बाहर जाकर आप कर्सर को रखिए और सिर्फ एंटर प्रेस कीजिए, तो इससे होगा क्या कि आपकी रो के बाद में एक नई रो यहां पर एंटर हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं इस टेबल में से 2 टेबल बनाना, यानी आप तीसरे वाले पॉइंट से एक नई टेबल बनाना चाहते हैं, तो पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लीजिए और ऑल्ट के साथ में शिफ्ट बटन को प्रेस कीजिए। अब आपको सिंपल अपना डाउन एरो प्रेस करना है और आप देखेंगे ये जो टेबल है ये आपकी ऊपर वाली टेबल से अलग हो जाएगी। ये बहुत आसान है, बहुत ईजी ट्रिक है आपके टेबल में काम करने का। अगर दोबारा आप इस टेबल को ऊपर वाली टेबल से जोड़ना चाहते हैं तो बस ऑल्ट के साथ में शिफ्ट की को प्रेस कीजिए और अप एरो की को प्रेस कर दीजिए। तो ये भी बहुत सरल तरीका है टेबल को जोड़ने का। अब यहाँ पर एक ट्रिक में भी और आपको बताना चाहता हूँ, अगर 3 नंबर वाली रॉ को आप 1 नंबर वाली रॉ के ऊपर ले जाना चाहते हैं तो आप कॉपी और पेस्ट करेंगे, तो इसके लिए आपको कॉपी पेस्ट कुछ नहीं करना है, आप पूरी जो रॉ है उसको सिलेक्ट कीजिए और यही शिफ्ट के साथ में ऑल्ट की आपको प्रेस करनी है, अप एरो की प्रेस करनी है और आप देखेंगे जो 3 नंबर वाला जो कॉलम है वो आपके 1 नंबर वाले कॉलम के ऊपर आ जाएगा। अब बता देता हूँ आपको टेबल में मर्ज करने का तरीका। अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा सेल
का एक सेल बनाना है, यानी उनको मर्ज करना है, तो आपको सिंपल उन सभी सेल्स को सेलेक्ट करना होगा और ऑल्ट के साथ में ए और उसके बाद एम को प्रेस करना होगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर वो सेल मर्ज हो जाएंगे। कहीं पर भी आप कोई भी सेल मर्ज करना हो आपको, आप देखिए यहाँ पर जैसे ये दो सेल मर्ज करने हैं, तो पहले ऑल्ट दबाइए, फिर ए दबाइए, फिर एम दबाइए, तो ये जो सेल हैं वो मर्ज हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी शॉर्टकट की है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सेल्स को मर्ज करने के लिए। तो इसके बाद एक तरीका मैं और भी आपको बताना चाहता हूँ उस टेबल को स्प्लिट करने का। आपको सिर्फ दबाना है शिफ्ट कंट्रोल और एंटर, तो आपकी जो टेबल है वो दो टुकड़ों में इंस्टेंटली बट जाएगी, यानी कट जाएगी। अब यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आपने इसे गलत काट दिया, दूसरा वाला जो रॉ था, यानी ये वाला जो रॉ था वो ऊपर वाली टेबल में शामिल होना चाहिए था, तो आप सिंपल इस रॉ में माउस का कर्सर ले जाइए, शिफ्ट के साथ ऑल्ट की को प्रेस कीजिए और कीबोर्ड पर जो अप एरो की होती है उसको प्रेस कीजिए। आप देखेंगे जो एक रॉ है वो नीचे वाली टेबल से उठकर ऊपर वाली रॉ में ज्वाइन हो जाएगी। तो किसी भी रॉ और कॉलम को डिलीट करना यहाँ पे बहुत आसान है। किसी भी रॉ और कॉलम को डिलीट करने के लिए आपको सिंपल उसको सेलेक्ट करना है, तो इस तरीके से जो एरो की है वो वहाँ पर आ जाएगी छोटी होकर, बस उसको सेलेक्ट कर लीजिए एक बार में, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको डिलीट कॉलम का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी एक पर्टिकुलर कॉलम डिलीट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप रॉ को भी सेलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको डिलीट सेल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको आएगा डिलीट सेल का ऑप्शन और डिलीट एंटायर रॉ का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। इसे ओके कर देंगे तो ये जो रॉ है ये आपकी डिलीट हो जाएगी। अब इसके बाद में ये जो आप देखेंगे ये पूरी जो टेबल है वो आपके पेज से छोटी हो गई है। इस टेबल को कैसे आप पेज पर फिट करेंगे उसके लिए यहाँ पर आपको एक आइकन दिखाई देगा, इस आइकन पर क्लिक कीजिए। ये असल में मूव आइकन है, इसकी सहायता से आप टेबल को कहीं भी मूव करा सकते हैं। मानिए मुझे टेबल यहाँ पर रखनी है या इसके बाद मुझे नीचे ले जानी है, लेकिन इसी आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको ऑटो फिट का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू विंडो और फिक्स कॉलम विड्थ। तो इस समय आप फिक्स कॉलम विड्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब आप ऑटो फिट टू विंडो का इस्तेमाल करेंगे तो जो आपकी टेबल है वो आपकी पूरी विंडो के हिसाब से, यानी आपके पेज के हिसाब से फिट हो जाएगी। और जो दूसरा ऑप्शन है ऑटो फिट टू कॉन्टेंट, तो ये क्या करेगा, ये आपके जो टेबल में जो भी टेक्स्ट लिखा होगा उसके हिसाब से कॉलम को सेट कर देगी। तो इसको करके देख लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से आएगा। यानी आपने यहाँ पर तीन नंबर लिखे हैं तो तीन नंबर्स के हिसाब से सेट हो जाएगा, कहीं अगर पांच नंबर हैं तो पांच नंबर के हिसाब से ये टेबल की विड्थ है वो सेट हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऑटो फिट टू विंडो करते हैं तो सभी कॉलम आपके जो पेज है उसके हिसाब से यहाँ पर सेट हो जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे काम की चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो है टेक्स्ट डायरेक्शन। मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई बहुत लंबा शब्द लिखा है, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माय बिग गाइड, लेकिन ये जो कॉलम है उसके हिसाब से बहुत छोटा है, तो ऐसे शब्दों को लिखने के लिए हम इसका टेक्स्ट डायरेक्शन बदल देते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन कैसे बदलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बस आपको इस सेल को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दिखाई देगा टेक्स्ट डायरेक्शन का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर दीजिए। आप यहाँ पर देखेंगे आपको तीन तरीके के ओरिएंटेशन दिखाई देंगे, तो ये जब आप इस पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो आपको जो टेक्स्ट है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और उसके बाद अगर आप दूसरे ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं यानी दूसरा टेक्स्ट डायरेक्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको जो आपके कीवर्ड्स हैं वो कुछ ऐसे तरीके से दिखाई देंगे। तो आप जैसे भी चाहें टेक्स्ट डायरेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपके पास कॉलम की संख्या ज़्यादा होती है, टेक्स्ट आपको ज़्यादा लिखने होते हैं, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो एक छोटे से पेज पर हम अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। जब हम इस टेक्स्ट डायरेक्शन को इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर के जो सारे ऑप्शन हैं वो उसी तरीके से हो जाएंगे जैसे नीचे वाला आपका टेक्स्ट डायरेक्शन है। इसको अगर आप सीधा कर देंगे, सीधा करने के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट डायरेक्शन में जाना है और यहाँ पर ऊपर वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, तो ये जो टेक्स्ट है वो सीधा भी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सेल को स्प्लिट करने की या काटने की। अभी हमने सेल को मर्ज किया था, लेकिन अगर सेल को आपको किसी टुकड़ों में काटना है तो आपको सेल में राइट क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको स्प्लिट सेल का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रॉज पूछे जाएंगे, तो नंबर ऑफ रॉ आप एक ही सेलेक्ट कीजिएगा, लेकिन आप जितने भी कॉलम में उसे काटना चाहते हैं वहाँ ऊपर कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए और इसे यहाँ से ओके कीजिए। तो आप देखेंगे जो आपका सेल है वो उतने ही टुकड़ों में कट जाएगा। अभी हमने चार में काटा है, अगर आप चाहते हैं कि ये पाँच में कटे तो ये पाँच में भी कटेगा। तो दोबारा से हम इसको करके देख लेते हैं, स्प्लिट सेल्स में हम जाते हैं और यहाँ से इसको पाँच पे सेलेक्ट करते हैं और ओके कर देते हैं, तो आप देखेंगे ये पाँच बराबर टुकड़ों में कट जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं हमारे पास एमएस वर्ड का एक ब्लैंक पेज है, और अगर हमें यहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ों में कुछ टाइप करना हो, जैसे मैं आपको यहां पर करके दिखा देता हूं कि नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है। अब मुझे यहां इंग्लिश में माय बिग गाइड लिखना है, तो उसके लिए मुझे हिंदी के बजाय यहाँ पर कोई भी एक इंग्लिश फॉन्ट सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद यहाँ पर माई
बिग गाइड लिखना होगा, और उसके बाद अगर मुझे फिर से यहाँ पर हिंदी में टाइप करना है तो दोबारा जाना होगा फॉन्ट के ऑप्शन पर, फिर से मुझे हिंदी फॉन्ट लगाना होगा और दोबारा यहाँ पर लिखना होगा कि आज हम आपको बताने वाले हैं एक बेहतरीन ट्रिक, ठीक है। और अगर दोबारा से मुझे यहाँ पर फिर से इंग्लिश लेना है तो फिर से मुझे फॉन्ट चेंज करना होगा। ये समस्या एक नहीं बहुत सारे लोगों के साथ में आती है कि जहाँ पर उनको मिक्स टाइपिंग करनी है तो वो बार बार जो फॉन्ट चेंज करने वाली चीज़ होती है वो बहुत इरिटेट करती है, बहुत परेशान करती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ एक बेहतरीन ट्रिक जो आपके बहुत काम आएगी। जो फॉन्ट चेंज करने वाली चीज़ है उसको तो आप भूल ही जाएंगे, इसी ट्रिक का आप इस्तेमाल करेंगे, ये मेरा दावा है आपसे। आपको ये जो सेटिंग है ये केवल एक ही बार करनी है, आपको बार बार सेटिंग नहीं करनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक छोटा सा काम कर लेते हैं, जाते हैं ऑफिस बटन पर और यहाँ पर वर्ड ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पर आपको वर्ड ऑप्शंस दिखाई देंगे। अब यहाँ पर आपको जो पॉपुलर टैब है वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, शो डेवलपर टैब इन द विन। इस पर टिक लगा दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। सिंपल इतना काम करना है। इसके बाद जाना है आपको डेवलपर टैब पर और यहाँ पर आपको दिखाई देगा मैक्रोस का ऑप्शन। तो ये जो मैक्रोस है ये क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में एक वीडियो में आपको पहले बता चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा, वो भी बहुत काम का है। अब सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ से आप इस पैराग्राफ को हटा दीजिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जाना है रिकॉर्ड मैक्रोस के बटन पर। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, यहाँ पर लिखा होगा असाइन मैक्रो टू। तो आपको बटन पर नहीं जाना है, आपको जाना है कीबोर्ड पर, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको आ जाएगा कस्टमाइज कीबोर्ड का ऑप्शन और यहाँ पर आपको दिखाई देगा प्रेस न्यू शॉर्टकट की का ऑप्शन। अब यहाँ पर आपको सिंपल एक शॉर्टकट की बनानी है अपना फॉन्ट चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर हम एक सिंपल शॉर्टकट की बना लेते हैं, कंट्रोल के साथ में आपके नम लॉक का जो वन बटन है उसको प्रेस कर दीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर आ गया कंट्रोल प्लस नम वन, इसको यहाँ से असाइन कर दीजिए और क्लोज कर दीजिए। अब आप देखेंगे आपके माउस के कर्सर पर पुराने जमाने की जो टेप रिकॉर्डर वाली कैसेट होती थी उसका आइकन आ जाएगा, इसका मतलब अब जो आपका मैक्रोस है वो रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पर आपको होम बटन पर जाना है और सिंपल कुछ नहीं करना, अगर इंग्लिश फॉन्ट लगा है तो यहाँ से हिंदी को सेलेक्ट कर लीजिए। अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, हिंदी का जो साइज़ 16 है और इंग्लिश का जो साइज़ 12 है लगभग बराबर दिखाई देते हैं, तो अगर आप यहाँ से हिंदी सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो साइज़ है उसको 16 सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब बस कुछ मत करिए, अब दोबारा से डेवलपर टैब पर जाइए और मैक्रोस को स्टॉप कर दीजिए। इसका अर्थ ये हुआ कि आपने जो कंट्रोल वन कमांड है वो सेव कर दी है हिंदी फॉन्ट के लिए, साइज 16 के लिए। अब इसी तरीके से आपको इंग्लिश फॉन्ट को सेलेक्ट करना है, तो दोबारा से रिकॉर्ड मैक्रो के ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर आपको अपने आप जो मैक्रो 2 है वो रिकॉर्डेड दिख जाएगा। यहाँ से कीबोर्ड को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए दूसरी शॉर्टकट की, यानी कंट्रोल 2 हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी असाइन कर देते हैं। यहाँ से इसे क्लोज करते हैं, दोबारा से जो मैक्रोज है वो रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है। बस आप होम बटन पर जाइए और यहाँ से हिंदी के बजाय इंग्लिश फॉन्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसा कि मैंने बताया था कि हिंदी का 16 और इंग्लिश का 12 आपको फॉन्ट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर हम इसका साइज़ जो है वो कम कर लेते हैं ताकि बाद में आपको फॉन्ट का साइज़ जो है छोटा बड़ा ना करना पड़े। बस सिंपल इतना काम करना है और उसके बाद डेवलपर टैब पर जाकर यहाँ से इस मैक्रोस को स्टॉप कर देता है। अब हुआ क्या कि आपके जो दोनों मैक्रोस हैं वो रिकॉर्ड हो गए हैं, आपके कीबोर्ड के बटन पर सेट हो गए हैं। अब आपको अगर हिंदी फॉन्ट को सेलेक्ट करना है तो सिंपल आपको प्रेस करना है कीबोर्ड से हिंदी के लिए कंट्रोल वन। तो आप देखेंगे ऊपर जैसे ही मैंने कंट्रोल वन को प्रेस किया तो आप देखेंगे देवलेस 10 और यहाँ पर आप देखेंगे कि 16 जो फॉन्ट है वो आ गया है। इसके बाद अगर मुझे इंग्लिश में टाइप करना हो तो कंट्रोल 2 को मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे एरियल का 12 फॉन्ट आ गया है। टाइप करके देख लेते हैं, देरी क्यों करते हैं। यहाँ पर हम कंट्रोल 1 को प्रेस करते हैं, आपका स्वागत है, और कंट्रोल 2 माई बिग गाइड, इसके बाद कंट्रोल 1 स्मार्ट क्लास में। तो सिंपल आपको फॉन्ट चेंज करने के लिए कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है, आपको दो शॉर्टकट्स बनाने हैं, मैक्रोस का इस्तेमाल करना है। अगर आपको शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत हो, क्योंकि ये काम आपको बार बार नहीं करना है, सिंपल एक बार आपको ये काम करना है जिस भी कंप्यूटर पर आप काम करते हैं, और कंप्यूटर खोल के बस केवल शॉर्टकट से ही ये फॉन्ट चेंज कर लेना है। अब बात करते हैं कैसे आप यहाँ पर दो फॉन्ट बदल सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना है ऑफिस बटन पर और यहाँ आपको मिलेगा वर्ड ऑप्शन, इस पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा कस्टमाइज़ का ऑप्शन, इस पर चले जाइए और यहाँ पर आपको दिखाई देगा सबसे नीचे कीबोर्ड शॉर्टकट्स, यहाँ पर भी आपको कस्टमाइज़ का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपको दिखाई देंगी कैटेगरीज। इसके बाद सामने इसके दिखाई देंगी कमांड्स, आपको कैटेगरी वाला जो स्क्रॉल है वो नीचे करना है और यहाँ पर आपको मिलेगा फॉन्ट्स का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर दीजिए
और यहाँ पे जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको सामने सभी फॉन्ट्स दिखाई देने लग जाएंगे। अब यहाँ से आपको वो फॉन्ट सेलेक्ट करने हैं जिसमें आप हमेशा टाइपिंग करते हैं। जैसे इंग्लिश के लिए अगर आप एरियल लेते हैं तो एरियल को सेलेक्ट कर लीजिए। तो आप जैसे ही एरियल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा प्रेस न्यू शॉर्टकट की का ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको एक ऐसी शॉर्टकट की बनानी है, जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो एरियल जो फॉन्ट है वो आ जाए। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो शॉर्टकट की ऐसा ना हो कि एमएस वर्ड में पहले से कहीं पर काम करती हो। तो इसके लिए सबसे सरल तरीका वही है जैसे हमने पहले बनाई थी। तो यहाँ पर हम कंट्रोल के साथ नम लॉक की पैड से 1 को प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कंट्रोल के साथ एक बटन के साथ हमने इस शॉर्टकट को बना लिया है एरियल फॉन्ट के लिए। अब इसे यहाँ से असाइन कर देते हैं तो आप देखेंगे एरियल के लिए यहाँ पर करंट की है वो आ गई है कंट्रोल के साथ 1। अब बात करते हैं अपने दूसरे हिंदी फॉन्ट की जिसको हमें इंग्लिश के साथ में चलाना है। तो बस आप नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पर आपको हिंदी फॉन्ट्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं देवलेस 10 को, और इसके लिए भी एक शॉर्टकट की हम यहाँ पर बना लेते हैं कंट्रोल 2। तो आप देखें कंट्रोल 2 के साथ देवलेस 10 को हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, इसे भी हम यहाँ से असाइन कर देते हैं। और जैसे ही आप असाइन करेंगे तो करंट की आपको यहाँ पर डिस्प्ले होने लग जाएगी। अब इसे यहाँ से क्लोज कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अब आपको जब भी एरियल में काम करना हो तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल 1। तो आप देखेंगे जैसे ही कंट्रोल 1 आप प्रेस करेंगे यहाँ पर जो फॉन्ट है वो बदल जाएगा, और कंट्रोल 2 करते ही वो फॉन्ट देवलेस हो जाएगा। तो ये एक बहुत बढ़िया तरीका है फॉन्ट चेंज करने का। लेकिन इसमें और मैक्रोज में क्या आपको मिलता है, क्या इसमें फ़ायदे हैं और क्या इसमें नुकसान है? इसमें फ़ायदा ये है कि आपका फॉन्ट किसी भी फाइल में बदल जाएगा, यानी आप नई फाइल भी बनाएंगे तो वहाँ बड़े आराम से आप फॉन्ट चेंज कर पाएंगे, आपको बार बार इसे सेट नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर एक परेशानी है। तो जैसे कि मैं यहाँ कुर्तिदेव फॉन्ट में राम लिखता हूँ और अभी राम मुझे इंग्लिश में लिखना है, तो मैंने यहाँ से फॉन्ट चेंज किया और यहाँ पर मैंने लिखा इंग्लिश में राम। अब आप देख रहे हैं कि हिंदी और इंग्लिश का जो फॉन्ट साइज़ है वो अलग अलग होता है। जब मैक्रोज में हमने इसको सेट किया तो हमने फॉन्ट स्टाइल के साथ में फॉन्ट साइज को भी सेलेक्ट किया था, और जब शॉर्टकट से हम उसे बदलते थे तो फॉन्ट स्टाइल के साथ में फॉन्ट साइज भी बदलता था। लेकिन यहां पर चूंकि आप कीबोर्ड शॉर्टकट से सिर्फ फॉन्ट बदल रहे हैं, आपको साइज का जो ऑप्शन है वो नहीं मिलेगा। तो मैक्रोज में आपको ये फायदा मिलता है कि आपको बार बार जो साइज है वो बराबर नहीं करना पड़ता है। हिंदी जब आप टाइप करेंगे तो देखिए ये बदल जाएगा, जब इंग्लिश करेंगे तो यहां पर बड़े साइज के फॉन्ट आएंगे। हिंदी और इंग्लिश में अंतर ये होता है कि इंग्लिश का जो फॉन्ट है वो 9 नंबर हिंदी के फॉन्ट 11 के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता है कि आप हिंदी और इंग्लिश करेंगे तो आपका जो फॉन्ट का साइज़ है वो आपको अलग अलग मिलेगा। तो ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, इस वाले को करते हैं या मैक्रोस के माध्यम से अपने फॉन्ट को बदलते हैं। और यहाँ पर हम लगा लेते हैं कुर्तिदेव या देवलेस में से कोई भी एक फॉन्ट। तो हम यहाँ पर ये फॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, ये कुर्तिदेव 10 है जिसमें हमने फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे जाए। और हम यहाँ पर टाइप करके देखते हैं कोई भी शब्द। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं राम और स्पेस देते हैं, ये बदल गया है, ये देखिए स्पेस देने के साथ में या एंटर देने के साथ में वो शब्द बदल जा रहा है। यहाँ पर ये शब्द भी बदल गया है। तो हमने यहाँ पर अभी 4 शब्द टाइप करके देखे हैं, और जब हम इसको टाइप करते हैं तो उसके पहले वाला जो अक्षर है वो अपने आप बदल जाता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि ये जो ऑफिस सिस्टम है ये बना है इंग्लिश में काम करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट ने इसे इंग्लिश फॉन्ट के लिए डिज़ाइन किया है, हिंदी फॉन्ट के लिए काम करने के लिए ये सॉफ्टवेयर नहीं बना है। अगर आप हिंदी में काम करते हैं तो आपको ऐसी गलतियाँ दिखाई देती रहेंगी। अब इनका समाधान क्या है, हिंदी में ये कमियाँ क्यों आती हैं? तो सबसे पहले हम यहाँ पर और कुछ आपको दिखा देते हैं कि ये इसकी वजह क्या है। हम यहाँ पर कोई इंग्लिश फॉन्ट लेते हैं और अब हम राम टाइप करके देखते हैं, और आप देखेंगे अभी मैंने यहाँ पर जो राम टाइप किया है वो सारे स्मॉल वर्ड में किया है, लेकिन जब मैं इसको स्पेस देता हूँ तो उसका जो पहला शब्द है आर वो बड़ा हो जाता है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर सीता टाइप करके देखता हूँ तो यहाँ पर भी पहला शब्द बड़ा हो गया। यहाँ पर हमने अविनाश टाइप किया, इसका भी पहला शब्द बड़ा हो गया। और हमने कविता टाइप किया, इसका भी पहला अक्षर बड़ा हो गया। तो यही वजह है आपके हिंदी में जब आप कोई शब्द टाइप करते हैं तो वो ऑटोमेटिक कैप्स
यानी कि कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाता है। और हिंदी में कैपिटल लेटर में जब आप किसी शब्द को कन्वर्ट करके लिखेंगे तो वहाँ पर वो दो शब्द बनते हैं। जैसे आप बिना शिफ्ट के अगर लिखते हैं तो अ बनेगा, और शिफ्ट के साथ में जब आप लिखेंगे तो ट बनेगा। तो होता क्या है कि जब आप स्पेस देते हैं तो वो एमएस वर्ड ऑटोमेटिक उस पहले शब्द को कैप्स में कन्वर्ट कर देता है और आपका शब्द बदल जाता है। अब इसको ठीक कैसे करेंगे? इसको ठीक करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर जाना पड़ेगा ऑफिस बटन पर, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा वर्ड ऑप्शन। वर्ड ऑप्शन को जब आप खोलेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा पॉपुलर डिस्प्ले के नीचे प्रूफिंग। आप इस पर जाइए और यहाँ पर आपको दिखाई देगा ऑटो करेक्ट ऑप्शन। इसको खोल लीजिए। इसमें जितने भी आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ये सभी इंग्लिश पर काम करने के लिए हैं, हम हिंदी पर काम करने के लिए सारे ऑप्शन नहीं हैं। तो आप इन सभी को हटा दीजिए। यहाँ पर जो आपका कमांड है कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ द टेबल सेल्स, तो ये सारे ऑप्शंस को आप हटा दीजिए। अगर आप हिंदी में ही टाइप करना चाहते हैं, ये सभी ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो हिंदी में टाइप करने के लिए नहीं दिए गए हैं, इंग्लिश में टाइप करने के लिए दिए गए हैं। ये देखिए ऑटो फॉर्मेट को भी हम यहाँ से हटा देते हैं, हमें कोई बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन नहीं चाहिए। स्टाइल्स को भी हम हटा देते हैं, स्मार्ट टेक्स्ट को भी हम यहाँ से हटा देते हैं, और इसको ओके कर देते हैं, और यहाँ से भी ओके कर देते हैं। अब इसको टाइप करके हम देखते हैं, हम सभी को हटा देते हैं यहाँ से। ये देखिए हम दोबारा से हिंदी फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से हमने ले लिया हिंदी फॉन्ट, और अब हम टाइप करके देखते हैं। आप देख रहे हैं कि आपकी जो समस्या थी वो ठीक हो गई है। तो ये चीज़ आपको सोचनी होगी कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, वो एक अमेरिकन कंपनी ने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, और आपका जो हिंदी फॉन्ट हैं कुर्तिदेव हो चाहे देवलेस हो वो इसमें काम नहीं करते हैं, वो लोग इनबिल्ट भी इस फॉन्ट को डाल के नहीं देते हैं। तो आपको अगर हिंदी फॉन्ट में काम करना है, इंग्लिश में कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर हिंदी में आपको काम करना है तो आपको मैनुअली वहाँ से सारे ऑटो करेक्ट ऑप्शन हटाने होंगे, क्योंकि हिंदी में ऑटो करेक्ट काम नहीं करता है, वो काम करता है इंग्लिश के हिसाब से। दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले एक वीडियो आप और देखिएगा जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आप टेबल एक्सपर्ट बन सकते हैं। उसका छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे देता हूं कि आपको सबसे पहले एमएस वर्ड में जाना है, प्लस लगाना है, फिर कुछ स्पेस आपको माइनस लगाना है, फिर प्लस लगाना है, फिर माइनस लगाना है, और फिर प्लस लगाना है। ऐसा करने से होगा क्या कि आपके प्लस और माइनस के बीच में ये जो गैपिंग होगी इससे आपकी क्विकली टेबल जनरेट हो जाएगी। ये एक हिडन फीचर है, जैसे आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर टेबल बन गई, और टैब आप जैसे करते जाएंगे तो ये टेबल जो है वो आगे बढ़ती जाएगी। तो जितने भी आपको कॉलम बनाने हैं उतने आप प्लस और माइनस लगाते जाइए और टेबल बन जाएगी। तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो ज़रूर देखिएगा, आपके बहुत काम आएगा। अब बात करते हैं इस वीडियो की। यहाँ पर सबसे पहला जो सीक्रेट मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही मज़ेदार है। आमतौर पर हम जब किसी भी लेटर को बोल्ड करते हैं तो उसको बाद में करते हैं, टाइप करने के बाद करते हैं, लेकिन अगर पहले करना हो तो सिंपल आपको अपने कीबोर्ड के न्यूमेरिकल कीपैड के ऊपर एस्टेरिक का जो बटन है वो दबाना है, इसे हम स्टार भी कहते हैं, और वो शब्द टाइप कर देना है, और बस सिंपल उसके बाद फिर से एस्टेरिक दबाना है, तो आप देखेंगे वो जो शब्द है वो बोल्ड हो जाएगा। इसी तरह से इटैलिक करने के लिए आप सबसे पहले शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर दबाइए और वो शब्द टाइप कर दीजिए, उसके बाद दोबारा से अंडरस्कोर जैसे आप प्रेस करेंगे तो वो जो शब्द है वो इटैलिक हो जाएगा। इसके अलावा आपको कहीं पर कॉपीराइट का सिंबल बनाना है, जैसे ये अभिमन्यु वाला जो लेटर है इसको मुझे कॉपीराइट करना है, तो सिंपल मुझे ब्रैकेट ओपन करना होगा, उसके बाद सी प्रेस करना होगा, ब्रैकेट को क्लोज करना होगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर कॉपीराइट का जो सिंबल है वो आ गया है। इसी तरह से यहाँ पर रजिस्टर्ड का अगर सिंबल मुझे लगाना है तो ब्रैकेट ओपन करना होगा, आर प्रेस करना होगा और ब्रैकेट को क्लोज कर देना होगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो रजिस्टर्ड का सिंबल है वो आ गया। इसी तरह से अगर किसी के पीछे मुझे ट्रेडमार्क लिखना है, जैसे मैं यहाँ पर माई बिग गाइड टाइप कर लेता हूँ और इसके पीछे मुझे ट्रेडमार्क लिखना है, तो आपको ब्रैकेट में सिंपल TM टाइप करना है और ये जो लोगो है वो ट्रेडमार्क बन जाएगा। यहाँ पर इमोजी बनाना भी बड़ा आसान है, आपने देखा होगा स्माइलीज जो होती हैं, इसके लिए आपको सिंपल कीबोर्ड से कॉलन दबाना है और उसके बाद में आपको दबाना है ओपन ब्रैकेट, तो आप देखेंगे जो सैड स्माइली है वो बन जाएगी, और इसके बाद अगर आपको हैप्पी स्माइली बनानी है तो आपको फिर से कॉलन दबाना है और क्लोज ब्रैकेट को प्रेस करना है, तो आप देखेंगे कि हैप्पी स्माइली का जो आइकन है वो आ जाएगा। इसके बाद जो अगला शॉर्टकट और सीक्रेट मैं आपको बताने वाला हूँ उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है जो लोग एमएस वर्ड में फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म बनाने के लिए हमको अक्सर बॉक्सेस की ज़रूरत होती है, जहाँ पर हमें पिन कोड डालना होता है या और भी कई सारी चीज़ लिखनी होती हैं, और बॉक्स बनाना यहाँ पर बड़ा टफ होता है। जैसे मैं यहाँ पर पिन
लिख देता हूँ, और उसके बाद में अगर मुझे पिन कोड के लिए बॉक्स बनाना है तो उसके लिए या तो आप जाते होंगे यहाँ पर शेप्स में और इस बॉक्स को लेके इस तरीके से ड्रॉ करते होंगे और फिर दोबारा से उठाकर इसको कॉपी या पेस्ट करते होंगे, फिर से इसे सेट करते होंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन यहाँ पर जो शॉर्टकट मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत आसान है, सरल है। सिंपल आपको यहाँ पर बैक स्लैश लगाना है और उसके बाद आपको बॉक्स टाइप कर देना है, और जैसे आप स्पेस दबाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक बॉक्स बन जाएगा। अब इस बॉक्स को आप बड़ा कर लीजिए, छोटा कर लीजिए अपने हिसाब से, कॉपी कीजिए और बस पेस्ट करते चले जाइए आपको जितने भी बॉक्स लगाने हैं। तो ये एक बहुत आसान तरीका है एमएस वर्ड में बॉक्स बनाने का। इसके अलावा अगर आपको एमएस वर्ड में लेफ्ट और राइट एरोज बनाने हैं तो ये देखिए कितना आसान है इसमें लेफ्ट और राइट एरो बनाना। यहाँ पर सिंपल आपको ग्रेटर देन और स्मॉल देन के आइकन का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पर हम लेस देन का एक आइकन लगाएंगे, दो डैश लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट एरो की बन जाएगी। और अगर आपको राइट एरो की बनानी है तो आप दो डैश लगाइए और ग्रेटर देन का जो बटन है उसको प्रेस कर दीजिए। तो जिस तरीके से अभी हमने बॉक्स वाली कमांड सीखी थी उसी तरीके से यहाँ पर और कुछ सीक्रेट्स कमांड होती हैं एमएस वर्ड में। अगर आपको बहुत डिज़ाइनर कुछ फॉन्ट बनाने हैं तो वो भी आप सिंपल इन सीक्रेट कमांड से बना सकते हैं। आपको यहाँ पर सिंपल ब्लैक स्लैश लगाना होगा और टाइप करना होगा डबल, और डबल के बाद आप जो भी अल्फाबेटिकल अक्षर लिखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर ए लिख देता हूँ और स्पेस देंगे, तो आप देखेंगे वो एक अलग ही फॉन्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। हम दोबारा से लिख के देखते हैं, हमने यहाँ पर दोबारा से लिखा डबल, और यहाँ पर हमने इस बार स्मॉल ए का हम यूज़ करेंगे और स्पेस देंगे, तो आप देखिए यहाँ पर स्मॉल ए बनी। इसी तरीके से आप सभी अल्फ़ाबेट को कैपिटल और स्मॉल लेटर में इस डिज़ाइन में, इस फॉन्ट स्टाइल में लिख सकते हैं। इसके बाद में एक और मैं आपको फॉन्ट स्टाइल बताता हूँ जिसके लिए आपको फ्राटोर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको लगाना है बैक स्लैश और टाइप करना है FRAKTUR, और यहाँ पर भी आपको जो भी अल्फ़ाबेट लिखना है स्टाइल में आप वो टाइप कर दीजिए और स्पेस कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर अभी मैंने ए लिखा है, असल में ये एक जर्मन स्टाइल है जो देखने में कुछ था जैसा लगता है। दोबारा से हम बी या सी बनाकर देखते हैं, बैक स्लैश दबाना है, FRAKTUR आपको टाइप करना है, और अब हम यहाँ पर लिख देते हैं बी। अब ये स्मॉल बी लिखी है हमने, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो फॉन्ट की स्टाइल है वो कुछ अलग आई है। तीसरा जो शॉर्टकट है फॉन्ट स्टाइल बदलने का, तो यहाँ पर आपको लगाना है बैक स्लैश और टाइप करना है स्क्रिप्ट, तो यहाँ पर SCRIPT हमने टाइप किया, और कोई भी अल्फ़ाबेट हम यहाँ पर लिखेंगे और स्पेस दबाएंगे तो आप देखेंगे वो एक अलग ही स्टाइलिश फॉन्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो तीन तरीके हमने यहाँ पर बताए हैं आपको, वो आप टाइप करके बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जब आप नंबर डालते हैं कहीं पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखते हैं, तो उसके लिए भी एमएस वर्ड में ऑटोमेटिकली कमांड दी गई होती हैं। आपको सिंपल यहाँ पर 1 लिखना है और उसके बाद ST दबा देना है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट। आप देखेंगे वो अपने आप सुपर स्प्रेड बन जाएगा। इसी तरीके से जब 2 लिखेंगे और ND लिखेंगे यानी सेकंड लिखेंगे, तो वो भी सुपर स्प्रेड बन जाएगा। इस तरह से आप थर्ड भी लिख सकते हैं, यानी इसके पीछे आप RD लिखेंगे और स्पेस देंगे तो वो थर्ड बन जाएगा। तो इसका इस्तेमाल आप जितने भी आपकी काउंटिंग है आगे आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको लगानी है कहीं पर बुलेट लिस्ट, तो आपको सिंपल स्टार प्रेस करना है और अपने कीबोर्ड से टैब का बटन दबा देना है। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो बुलेट लिस्ट है ये बनके तैयार हो गई है, इसको डबल एंटर करें और बाहर निकल जाइए। इसके बाद अगर आपको एरो वाली जो बुलेट लिस्ट है वो बनानी है, तो इसके लिए आप सिंपल ग्रेटर देन का जो बटन है कीबोर्ड से उसको प्रेस कीजिए और टैब दबा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो एरो वाली बुलेट लिस्ट है वो बनके आपकी तैयार हो जाएगी, डबल एंटर करेंगे तो आप इससे बाहर निकल जाएंगे। अब एक और विशेष चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, हिडन टेक्स्ट MS वर्ड में कैसे लिखते हैं। ये जो चीज़ है वो बहुत विशेष है, इसके लिए हम पेज को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और यहाँ पर हम एक कमांड लगाएंगे इक्वल टू RAND, ब्रैकेट ओपन करेंगे, दो पैराग्राफ दो लाइन वाले, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो ये भी एक कमांड थी MS वर्ड की जिससे आप कोई भी रेंडमली पैराग्राफ यहाँ पर एंटर कर सकते थे। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर ये जो नीचे वाला पैराग्राफ है ये हमें प्रिंट नहीं करना है, यहाँ पर दिखाई तो दे लेकिन प्रिंट ना हो। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर फॉन्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर हम चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपको मिलेगा हिडन का ऑप्शन, इस पर टिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि जो पैराग्राफ था वो गायब हो गया है, दिखाई नहीं दे रहा है। जब आप प्रिंट निकालेंगे तब भी आपको प्रिंट व्यू में वो डिस्प्ले नहीं होगा, लेकिन आप चाहते हैं कि भैया दिखना तो चाहिए लेकिन प्रिंट नहीं निकलना चाहिए, तो उसके लिए आप जाएंगे ऑफिस बटन पर और वर्ड ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जाएंगे आप डिस्प्ले पर और यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा हिडन टेक्स्ट का, इस पर आप टिक लगा देंगे और ओके करेंगे, तो होगा क्या,
कि ये जो पैराग्राफ है आपको दिखने लग जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ है, इसमें और इसमें कुछ अंतर है, मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ। जो हिडन टेक्स्ट है उसके नीचे आप देखेंगे कि लाइन बनी हुई है डॉटेड, तो इसका मतलब ये है कि ये जो टेक्स्ट है वो हिडन है, यानी ये प्रिंट में नहीं आएगा, सिर्फ आपको दिखाई देगा। बहुत बार हम ऐसा करना होता है कि बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम टाइप कर लेते हैं लेकिन प्रिंट नहीं निकालना चाहते, तो उसके लिए आप हिडन टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको हम दोबारा अगर प्रिंट में लाना चाहते हैं तो दोबारा सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉन्ट पर जाएंगे और यहाँ से जो हिडन वाला जो ऑप्शन है इसको हटा देंगे और ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे डॉटेड लाइनें हट गई हैं और ये जो पैराग्राफ है ये प्रिंट में हमें दिखने लग गया है। तो इस तरह से आप हिडन पैराग्राफ बना सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि भैया इसका जो पहला अक्षर है वो बड़ा हो जाना चाहिए, तो आमतौर पर आप सेलेक्ट करते हैं और ऐसे बड़ा करते हैं। तो ये जो लेटर है वो मैगजीन टाइप नहीं आ पाता है, इसको मैगजीन की तरह बनाने के लिए सिंपल आपको करना क्या है, इसे हम छोटा कर लेते हैं। तो फर्स्ट लेटर को कैपिटल करने के लिए सिंपल आपको इसे सेलेक्ट करना है, जाना है इंसर्ट के ऑप्शन पर और यहाँ पर आपको ड्रॉप कैप नाम का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करिए और इसको ड्रॉप्ड कर दीजिए। तो आप देखेंगे आपका जो पहला लेटर है वो बड़ा हो गया है। इसको आप चाहें तो अपनी सुविधानुसार और छोटा या बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नोट्स दिखाई देंगे, इनको पकड़ के आप इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं, तो ये एक मैगजीन की तरह बन जाएगा। दोस्तों वैसे तो टैब एक बहुत साधारण चीज़ होती है, लेकिन अगर आप इसका सही से इस्तेमाल करें तो आपके डॉक्यूमेंट को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बना सकती है। तो जैसे कि आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई लिस्ट टाइप करते हैं, जैसे नाम लिखा और उसके बाद पिता का नाम लिखा, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ये लिखने के बाद में एक स्पेस लगाते हैं और उसके बाद जो बीच की गैपिंग है उसको बढ़ाते हैं। लेकिन ये सब कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल यहाँ पर टैब सेट करना है और केवल एक बार टैब क्लिक करने पर आप इन लिस्ट को और भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं। वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। एमएस वर्ड में टैब की जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो होती है 0.5 इंचेज़। तो जब आप अपने कीबोर्ड से टैब की को प्रेस करते हैं तो जो आपका कर्सर है वो आप देखेंगे 0.5 इंचेस खिसक जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप 0.5 इंच पर ही टैब को सेट करें, आप अपने मनचाहे तरीके से भी टैब को सेट कर सकते हैं अपनी लिस्ट बनाने के लिए। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर नाम लिखा और नाम लिखने के बाद में हम पहला टैब 2 इंच पर सेट करना चाहते हैं, तो आप नाम टाइप कर लीजिए, उसके बाद 2 इंच पर जाकर पहला टैब सेट कर दीजिए और क्लिक कीजिए। देखिए जो कर्सर है वो अपने आप 2 इंच पर जाकर रुक गया। अब यहाँ पर हम पिता का नाम टाइप कर देते हैं और इसके बाद जो अगला टैब है वो 4.5 इंचेस पर सेट कर देते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे टैब दबाकर उम्र। अब जब मैं एंटर करूँगा तो हर बार जो मेरा कर्सर है वो उन्हीं जगह पर जाकर रुकेगा जहाँ पर मैंने टैब सेट किए हैं। तो यहाँ पर हम नाम टाइप कर देते हैं अविनाश, पिता का नाम अभिराम, और आप देखेंगे जब भी मैं टैब अगली प्रेस करूँगा तो जो कर्सर है वो अगले टैब पर जाकर रुक जाएगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि ये जो लिस्ट है आप इसे कभी भी टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ये जो लिस्ट हमने यहाँ पर बनाई है, बस इसको आप एक बार सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से इंसर्ट में जाइए। इंसर्ट में आपको टेबल के नीचे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दिखाई देंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। चूंकि हमने टैब लगाया हुआ है इस वजह से ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर सेपरेट टेक्स्ट एट, यहाँ पर हमें टैब का ऑप्शन मिल रहा है। जैसे ही आप इसे ओके करेंगे तो ये जो आपका जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो अपने आप टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा और अगली बार आप जब भी टैब प्रेस करेंगे तो वो जो टेबल है वो आगे चलती हुई जाएगी। तो ये हो गए 2 फायदे आपके डॉक्यूमेंट में टैब सेट करने के। आप इसे बड़े आराम से मैनेज भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप टेबल में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं जब भी चाहें। अब टैब कई तरीके से सेट किया जाता है अलग अलग प्रकार से, तो कैसे आप कर सकते हैं वो मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ एक बार और। यहाँ पर हम इसे हटा देते हैं तो यहाँ पर हमें जो टैब सेटिंग मिलेगी वो मिलेगी हमें पैराग्राफ वाली सेटिंग में जाके। यहाँ पर आप जो छोटा सा एरो है इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप देखेंगे पैराग्राफ सेटिंग्स खुल जाएंगे। इसके नीचे आपको टैब का एक बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। ये जो डायलॉग बॉक्स है ये आप अपने स्केल पर भी डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा टैब स्टॉप पोजीशंस। तो जब हम स्केल पर कहीं पर क्लिक करते जाते हैं तो वो टैब स्टॉप पोजीशंस होती हैं और उनको हम अलग अलग तरीके से अलाइनमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है लेफ्ट, सेंटर, राइट, डेसिमल और बार। अब इनके क्या फ़ायदे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम कुछ टैब सेट कर देते हैं, जैसे एक यहाँ पर किया मैंने, उसके बाद एक 3 पर किया और एक 4 पर किया। अब किसी भी टैब पर आप डबल क्लिक कीजिए तो वो सभी सेटिंग्स आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। उसके अलावा अगर आप मैनुअली भी यहाँ पर कुछ टाइप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 2 टाइप करता हूँ
और इसे सेट कर देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर जो दो है वहाँ पर भी एक टैब आ जाएगा, ओके करते ही देखिए आ गया। और इस पर डबल क्लिक कर में इसे दोबारा ओपन करिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लिस्ट आ गई जितने भी टैब्स हमने यहाँ पे सेट किए हैं। अब इनका अलाइनमेंट हम एक एक करके चेंज कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपको दो नंबर वाले टैब पर सेंटर अलाइनमेंट चाहिए, तो यहाँ पर हम सेंटर पर क्लिक करेंगे और इसे सेट कर देंगे। इसके बाद तीन नंबर वाले टैब पर अगर आपको राइट अलाइनमेंट चाहिए तो यहाँ पर हम राइट पर क्लिक करेंगे और इसे सेट कर देंगे, तो यहाँ पर राइट अलाइनमेंट आ गया। इसके बाद जो टैब नंबर चार है वहाँ पर हमें डेसिमल चाहिए, ये एक बहुत अच्छा फीचर है, अभी आपको पता चल जाएगा किस तरीके से काम करता है। इसे यहाँ पे क्लिक कीजिए, सेट कीजिए और ओके कर दीजिए। तो आप देखेंगे ये जो पेज की स्टार्टिंग होती है वहाँ पर कर्सर अपने आप आ जाता है और इसके बाद जो टैब लगाते हैं वो काउंट किए जाते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर पहला टैब हमने लेफ्ट लगाया था, दूसरा टैब हमने सेंटर लगाया था, तीसरा टैब हमने राइट लगाया था और चौथा टैब हमने डेसिमल के लिए लगाया था। अब ये कैसे कैसे काम करते हैं ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर जब आप टाइप करेंगे तो जो टेक्स्ट है वो आपके टैब के लेफ्ट में लिखा जाएगा, और जब आप इस टैब पर टाइप करेंगे तो जो टेक्स्ट है वो आपके टैब के सेंटर में लिखा हुआ आएगा। देखिए इस टेक्स्ट को अगर आप देखें तो ये इस टैब के लेफ्ट में है, और अगर आप इस टेक्स्ट को देखेंगे तो ये जो टैब है उसके सेंटर में है। इसी तरीके से जो अगला टैब है वो हमने राइट लिया था, तो यहाँ पर आप कोई भी नाम टाइप करेंगे तो उस टैब के राइट में आएगा। अब बात करते हैं डेसिमल प्लेसेस वाली टैब की, तो दशमलव के अंक वाली जितनी भी आप धनराशि यहाँ पर टाइप करेंगे वो आप यहाँ आसानी से टाइप कर पाएंगे। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं 20.25, तो आप यहाँ पर देखिए कि दशमलव के बाद वाले जितने भी अंक थे वो टैब के लेफ्ट साइड में गए और दशमलव के पहले के जितने भी अंक थे वो टैब के राइट साइड में गए। अगर हम इनको बढ़ाते भी हैं तो ये जो सेटिंग है वो सेंटर में ही रहेगी, देखिए कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर हम जितना भी बढ़ाएंगे वो लेफ्ट साइड में ही जाएगा। तो डेसिमल प्लेस वाला टैब कुछ इस तरीके से काम करता है। इसके बाद यहाँ पर आप टैब सेट करने के साथ में ही टेबल भी जनरेट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पर केवल टैब की सहायता से एक टेबल बनाना बताऊँगा जहाँ पर आप लाइन भी बना पाएंगे। तो हर एक इंच पर हम यहाँ पर लाइन बनाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर भी कुछ टाइप करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास चार टैब आ गए हैं, अब इसमें से दो टैब को हम बार के तौर पर सेट करेंगे और दो टैब हम टाइपिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो जो पहला टैब है पहले हम उसे बार बना लेते हैं, यानी लाइन बना देते हैं। तो पहले को सेलेक्ट कीजिए, बार पर क्लिक कीजिए और सेट कर दीजिए। उसके बाद तीसरे को सेलेक्ट कीजिए और बार पर क्लिक कीजिए और सेट कर दीजिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे दो लाइनें आ गई हैं, यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कीजिए, टैब एंटर कीजिए, और अगली बार जब आप टैब एंटर करेंगे तो वो जो बार वाला टैब है वहाँ आपका कर्सर रुकेगा नहीं। अब यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, पिता का नाम टाइप कर देता हूँ, और इस टैब को अगर आप चाहें तो इधर उधर खिसका भी सकते हैं। तो आप देखिए ये यहाँ पर आ गया। इसके बाद अगला टैब आपका चौथे नंबर पर गया है, इसको आप पीछे ले लीजिए और यहाँ पर उम्र टाइप कर दीजिए। कुछ इस तरीके से बन गया। जब एंटर करेंगे आप तो देखेंगे लाइन आपकी आगे बढ़ेगी। यहाँ पर हम नाम टाइप करेंगे, उसके पिता का नाम टाइप करेंगे, उसके बाद उसकी उम्र टाइप करेंगे और फिर से जब एंटर करेंगे तो जो लाइन है वो आगे बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से आप जितनी बार भी एंटर प्रेस करेंगे तो टैब की वजह से जो आपकी लाइन है वो नीचे तक बढ़ती जाएगी और आप केवल टैब की सहायता से ही यहाँ पर टेबल बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं आप टैब की सहायता से एक विषय सूची जो किताबों के आगे आपने अक्सर देखी होगी उसको कैसे टाइप करते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर मानिए हम एक विषय सूची टाइप करते हैं, हमने इस फाइल में कई सारे पेज बनाए हैं और उन पेज की एक लिस्ट हमें यहाँ पर बनानी है। तो हम यहाँ पर नंबर की को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर टाइप करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या जो कुछ भी आपने जो भी लिखा हो किताब में। तो सबसे पहले किताब में होती है प्रस्तावना, और ये किस पेज से किस पेज तक होती है उसको टाइप करने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर डॉट लगाते हैं, उसके बाद वहाँ पर पेज नंबर टाइप कर देते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें आपके केवल टैब की से ही बहुत आराम से सेट हो सकती हैं। वो कैसे होती हैं, बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको आप हटा दीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्रम संख्या टाइप करेंगे, फिर टाइप करेंगे टैब प्रेस करके चैप्टर और उसके बाद पेज नंबर। अब ये सारी चीज़ें केवल टैब से कैसे सेट होंगी ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट कीजिए, पहला टैब आपको जहाँ भी लगाना है वहाँ लगा लीजिए, उसके बाद दूसरा जो टैब है वो आपको जहाँ लगाना है वहाँ लगा लीजिए।
अब पहले टैब से और दूसरे टैब के बीच में हमें कुछ विशेष चीज़ें लगानी होंगी, तो हम दूसरे वाले टैब को सेलेक्ट करते हैं और लीडर में जाके आप कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको डॉट चाहिए तो डॉट सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आपको डैश चाहिए तो डैश सेलेक्ट कर लीजिए, अगर सिंपल लाइन चाहिए तो आप लाइन सेलेक्ट कर लीजिए। तो कोई भी एक चीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं, हम यहाँ पर डॉट ले लेते हैं और इसे सेट कर देते हैं, और इसके बाद इसे ओके जैसे ही आप करेंगे तो आप देखेंगे चैप्टर और पेज नंबर के बीच में जो डॉट हैं वो अपने आप आ जाएंगी। अब इसकी लेंथ कितनी भी हो सकती है चैप्टर की, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, डॉट अपने आप अपनी जो लेंथ है उसको सेट कर लेगी। तो इसके बाद हम एंटर करते हैं, यहाँ पे क्रम संख्या डालते हैं और एक टैब प्रेस करने के बाद में हम यहाँ पे लिखते हैं एमएस वर्ड। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो शब्द है इसकी लंबाई ज़्यादा है चैप्टर से, लेकिन अगर हम टैब प्रेस करते हैं तो ये जो डॉट हैं उसने अपने आप जो जगह है वो कवर कर ली। अब इसके लिए हम यहाँ पर पेज नंबर डाल देते हैं, फिर से एंटर करते हैं और यहाँ पर डालते हैं क्रमांक 2, उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं एक्सेल, फिर हम टैब प्रेस करते हैं और आप देखिए टैब की वजह से ये जो लाइनें हैं वो अपने आप सेट हो रही हैं, हमें कुछ भी नहीं करना है। हम एक और डाल के दिखा देते हैं आपको, यहाँ पर 3, उसके बाद लिख देते हैं पावर पॉइंट। फिर से आप देखेंगे इन सभी शब्दों की लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, लेकिन टैब प्रेस करने पर डॉट अपने आप उस जगह को सेट कर लेती हैं। आप यहाँ पर प्रश्न संख्या डाल दीजिए। तो इस तरीके से जो टैब है वो आपके बहुत काम आ सकता है, आपके किसी भी डॉक्यूमेंट को बहुत आसानी से मैनेज कर सकता है। दोस्तों यहाँ हमारे पास एमएस वर्ड में एक फाइल बनी हुई है जिसमें हमने नीचे कुछ राज्य और उनकी राजधानियों की एक लिस्ट बनाई है और ऊपर हमने नीति आयोग के बारे में कुछ 2 पैराग्राफ लिखे हैं जिनको हमने सेम कॉपी किया है। अब आप किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं एमएस वर्ड में मैं आपको बता देता हूँ। आपको अगर ये पैराग्राफ सेलेक्ट करना हो या किसी शब्द को सेलेक्ट करना हो तो आप माउस से क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग करते हैं या आगे से पीछे इसको इस तरीके से ड्रैग करते हैं, या पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करना हो तो आप ऊपर से लेकर नीचे तक इसको इस तरीके से ड्रैग करते होंगे, लेकिन ये जो पैराग्राफ है ये माउस की सिंपल क्लिक्स पर ही सेलेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि माउस की क्लिक्स से आप पैराग्राफ को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी शब्द को सेलेक्ट करना चाहते हैं सिंगल शब्द को, तो आपको सिर्फ उस पर जाके एक डबल क्लिक करना होगा तो वो सिंपल जो शब्द है वो सेलेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपल आपको 3 क्लिक करनी होगी, 1, 2, 3, तो ये जो पूरा पैराग्राफ है वो बड़े आराम से सेलेक्ट हो जाएगा। अब लाइन को सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप किसी भी लाइन के आगे क्लिक कीजिए और शिफ्ट के साथ में एंड बटन को प्रेस कीजिए, या कि कीबोर्ड पे दिया गया होता है, और अगर आप लाइन के आखिर में हैं तो शिफ्ट के साथ में होम बटन को दबाइए तो वो पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं बहुत सिंपल हैं, काफ़ी सारे लोग इनको जानते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं इस लिस्ट पर और जो मेन ट्रिक है, जो मास्टर ट्रिक है, उसके बारे में जान लेते हैं। इस लिस्ट में से केवल आपको जो राज्यों के नाम हैं वो कॉपी करने हैं और कुछ भी कॉपी नहीं करना है। आमतौर पर जब आप इस लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे राज्यों के नाम कॉपी करने के लिए, तो आप देखेंगे कि साथ में जो प्रदेश हैं और राजधानी है वो भी सेलेक्ट हो जाएगी। तो केवल इन राज्यों के नामों को हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे अकेले इनको सेलेक्ट कर सकते हैं और कॉपी करके कहीं और दूसरी जगह ले जा सकते हैं, आपको करना ये है, आपको अपने कीबोर्ड से अल्ट बटन को प्रेस करना है और बस आपको नीचे केवल राजधानी के नाम सेलेक्ट करते हुए जाने हैं। आप देखेंगे यहाँ पर हमने राजधानी का नाम सेलेक्ट कर लिया है, आपको कॉपी करना है और कहीं भी नीचे ले जाकर आप उसे पेस्ट कर सकते हैं। तो आप देखिए उस लिस्ट में से सिर्फ राजधानी के नाम यहाँ पर आ गए हैं। इसी तरीके से हम प्रदेशों के नाम भी अगर सेलेक्ट करना चाहें तो आपको सिर्फ यहाँ पर क्लिक करना है, अल्ट बटन को प्रेस करना है और आप देखेंगे सिंपल आप वहाँ से प्रदेश के नाम भी बड़े आराम से कॉपी कर सकते हैं और कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब एक और बात, सिलेक्शन का एक और तरीका भी यहाँ पर देख लीजिए। ये जो पैराग्राफ है इसमें से कुछ नाम हमें छांटने हैं और उनकी एक लिस्ट बनानी है। जैसे यहाँ पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, ये 4 नाम हमें निकालने हैं और इनकी एक लिस्ट बनानी है। इसके साथ में हम प्रधानमंत्री को भी जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर सिंपल आपको कंट्रोल बटन दबाना है और जिन नामों को आप निकालना चाहते हैं इस पैराग्राफ में से उन पर सिर्फ डबल क्लिक करते जाना है। तो हमने यहाँ पर कंट्रोल बटन को प्रेस कर लिया है, प्रधानमंत्री हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने सेलेक्ट किया यहाँ पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री। आप देखें इस समय हमने यहाँ से 5 नाम सेलेक्ट कर लिए हैं, बस आपको कॉपी करना है, पेज के लास्ट में जाना है और उसको पेस्ट कर देना। आप देखिए 5ों नामों की एक लिस्ट बन गई है। तो इस तरीके से आप एमएस वर्ड में काम करते समय अगर सिलेक्शन में इन तरीकों का इस्तेमाल करेंगे तो आप ज़्यादा आसानी से काम कर पाएंगे।
तो दोस्तों, अगर आप भी एमएस वर्ड या एक्सेल में इस तरीके के रुपीज़ के सिंबल को इस्तेमाल करना चाहते हैं और अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कुछ सेटिंग्स करनी होगी अपने कंप्यूटर में, और उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे आप इस सिंबल को अपने कंप्यूटर में इस्तेमाल कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको जाना होगा स्टार्ट बटन पर, और यहाँ जाना होगा आपको कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में आपको यहाँ पर रीजन और लैंग्वेजेस का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको फॉर्मेट दिखाई देगी जिसमें लिखा होगा इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। इस फॉर्मेट को आपको चेंज करना है इंग्लिश इंडिया से, तो ये आपको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको इंग्लिश इंडिया का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। इसको सिलेक्ट कर लीजिए, उसको इसके बाद यहाँ से अप्लाई कर दीजिए। इसके बाद आपको जाना होगा कीबोर्ड और लैंग्वेजेस में, इसमें चले जाइए। यहाँ पर चेंज कीबोर्ड के बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर भी आपको जो कीबोर्ड लेआउट है वो चुनना होगा इंग्लिश इंडिया, तो यहाँ से आपको इसे कराना होगा ऐड। और ऐड कराने के बाद जब आप यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर इंग्लिश इंडिया का ऑप्शन मिल जाएगा। इसको सेलेक्ट कर लीजिए, कीबोर्ड पर जाइए, इसे क्लिक कीजिए और यहाँ से इसे ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद ये इस लिस्ट में आ जाएगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू में से इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको यहाँ से अप्लाई कर दीजिए। इसको भी यहाँ से ओके कीजिए और इसको बंद कर दीजिए। और इतनी सेटिंग करने के बाद में आपको कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करना होगा। यूनिकोड के लिए आपको टाइप करना होगा 20B9, और इसके बाद आपको इस्तेमाल करना होगा अपना राइट साइड का ऑल्ट बटन और उसके साथ में एक्स बटन। तो ऐसा करने से ही जो आपका 20B9 कोड है वो यूनिकोड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपको रुपीज़ का सिंबल दिखाई दे जाएगा। इसके अलावा आप ऑल्ट के साथ में 8377 यानी 8377 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर भी रुपीज़ का सिंबल आने लगा है। इसके बाद हम जाते हैं एमएस एक्सेल में, और एक्सेल में भी हम देखते हैं कि यार रुपीज़ का सिंबल ऑटोमेटिक आ रहा है। तो यहाँ पर आप कोई भी फिगर डालिए और इस सेल को अब हम कन्वर्ट करते हैं करेंसी में। आप जैसे ही सेल को करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ देखेंगे, पहले जब आप इसे करेंसी में कन्वर्ट करते थे तो यहाँ पर डॉलर का साइन आता था, तो अब यहाँ पर ऑटोमेटिक जो साइन आ रहा है वो आ रहा है इंडियन रुपीज़ का। आप देखेंगे यहाँ पर इंग्लिश इंडिया को हमने सेलेक्ट किया हुआ है, और ये हुआ है इस वजह से क्योंकि हमने जो हमारे फॉर्मेट्स थे वो भी हमने इंग्लिश इंडिया में कन्वर्ट किए थे, और हमने अपने जो कीबोर्ड लेआउट था उसको भी इंग्लिश इंडिया में कन्वर्ट किया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी है, अगर इन सब के बावजूद भी, ये सेटिंग्स करने के बाद भी अगर आपके सिस्टम में ये रुपीज़ का सिंबल नहीं आता है, तो आपको एक छोटा सा विंडोज़ का अपडेट डाउनलोड करना होगा। अपडेट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ये जो अपडेट है वो काम करेगा इंडियन करेंसी के नए सिंबल के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कई सारी फाइल्स दी गई हैं। अगर आप विंडोज़ 7 का 32-बिट का वर्ज़न इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको डाउनलोड करना होगा x86 वाला वर्ज़न, और अगर आप 64-बिट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको डाउनलोड करना होगा x64 वाला इस अपडेट का वर्ज़न। आप यहां से क्लिक करके इस अपडेट को डाउनलोड कर लीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए। सिस्टम को रिस्टार्ट कीजिए, और उसके बाद में आप जो कीबोर्ड लेआउट की सेटिंग्स मैंने बताई हैं उनको ठीक कीजिए। चेक करने के लिए क्या आपके सिस्टम में रुपीज़ का सिंबल आया है नहीं, इसको चेक करने के लिए आप जाइए स्टार्ट बटन पर और यहाँ पर टाइप कीजिए मैप। आप जैसे ही मैप टाइप करेंगे सबसे ऊपर एक प्रोग्राम आएगा करेक्टर मैप, इसको खोल लीजिए और यहाँ पर आपको लगा लेना है एरियल फॉन्ट, और यहाँ पर गो टू यूनिकोड वाले ऑप्शन में आपको टाइप करना है 20B9। जैसे ही आप 20B9 यहाँ पर टाइप करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर आपको फॉन्ट के एरिया में जो इंडियन रुपीज़ का सिंबल है वो दिखाई देने लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप अपने कंप्यूटर में इंडियन रुपीज़ के सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप गूगल पर टाइप कीजिए माई बिग गाइड, तो सबसे ऊपर mybigguide.com का रिजल्ट मिल जाएगा। लर्निंग जोन दिया गया है, इसके अलावा इंटरनेट, यूट्यूब और प्रिंटिंग के टिप्स और ट्रिक्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमने कंप्यूटर नोट्स दिए हैं जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। बस इस पर आप क्लिक कीजिएगा और कंप्यूटर नोट्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। ये बिल्कुल सीरीज वाइज दिए गए हैं, और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ नीचे दी गई है कंप्यूटर सामान्य ज्ञान क्विज। यहाँ पर हमने 50 से ज़्यादा ऑनलाइन क्विज दिए हैं जिनसे आप अपना कंप्यूटर ज्ञान परख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा अनसुलझे प्रश्नों के आसान जवाब जो अक्सर करके आपके दिमाग में आते होंगे। हमने डार्क इंटरनेट के बारे में बताया है, ब्लू व्हेल गेम के बारे में बताया है, कॉल ड्रॉप क्या होता है ये भी हमने बताया है, इंटरनेट का मालिक कौन है ये भी बताया है, वाईफाई या लाईफाई क्या होता है। तो अगर इस तरीके का कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में है तो आप यहाँ पर जाकर उसको सर्च कर सकते हैं। आप देखें कि ये लिस्ट बहुत लंबी है, लगभग 132 चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पर बताया हुआ है, तो ये 132 आर्टिकल आपके बहुत काम आने वाले हैं।